आपका दोस्त हितेन मलिक, आपका स्वागत करता हूँ पेयर ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, मैंने अन अकेडमी एप्लीकेशन पे जो एक लर्निंग फ्री एप्लीकेशन है, आप उस पर भी अपने आप को रजिस्टर करके मेरे लेक्चर्स को वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे अपने लेक्चर्स करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आपको करना सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अपने जहाँ से भी आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहाँ से अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां से अपने आप को रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद सर्च ऑप्शन में हितेन मलिक को सर्च करेंगे। जब आप मुझे सर्च करेंगे तो वहां पे मेरे जितने भी दिए हुए लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको प्रोवाइड होंगे। जैसे ही आप उनको लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, आपको लेक्चर्स और ज़्यादा मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं कंटेंट यहाँ पे भी डाल रहा हूँ, वहाँ पे भी डाल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे कंटेंट का टाइम कम होता चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास में जैसा टाइम फ्री नहीं होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन वहाँ ये चीज़ है कि सॉफ्टवेयर पे हम लोगों को क्वेश्चंस बना के देने होते हैं, वो जब बड़े भी देरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का कोई नुकसान ना हो इसीलिए मैंने वहाँ पे भी किया है कि आप लोग वहाँ पे भी अपने आप को ज्वाइन कर सकते हो और आप बराबर का फायदा वहाँ से भी उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी दोनों जगह से अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, चलिए, आपको करना है सिर्फ रजिस्टर करना है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में, और मुझे फॉलो करना है। मैं चाहता हूँ कि जितने फॉलोअर्स मेरे यहाँ हैं उससे भी ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे वहाँ पे बने। ठीक है, प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, वो हम लोग कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। दिया गया है कि ₹2600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी सच दैट शेयर ऑफ ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 3/2। मतलब जो शेयर दिया गया है ए बी सी डी का वो 3/2 दिया गया है। फाइंड आउट द शेयर ऑफ सी। ₹2600 को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए बटे दो, बी ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी, तीनों के तीनों 3/2 के बराबर है। तो बताइए कि सी को कितना हिस्सा मिला होगा। आपको सिर्फ इतनी बात बतानी है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब रेशियो प्रोपोर्शन शुरू किया था तो कुछ चीजें सीखी थी, उन चीजों से ही हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे और हम लोगों के लिए इजी होगा। ये अप्रोच सीधे सिंपली इसकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है, दिया है ए रेशियो बी, ए बाई बी को ए रेशियो बी लिख सकते हैं हम, 3/2 है। बी बाई सी 3/2 है। सी बाई डी 3/2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। सिंपली ए बी सी और डी ये रेशियो हम लोगों को दिए गए हैं। मैंने बताया था इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 3 27 ये ए हो जाएगा, 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी हो जाएगा। ऐसे तो बताया था पहला और लास्ट, ये मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में 2 3 3 ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए इन दोनों को रोकेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये सी हो जाएगा। हो गया बात क्लियर हो। इनको ऐड अप कर लो, 27 + 18 + 12 + 8। जब हम इन लोगों को ऐड कर लेते हैं 27 + 18 + 12 + 8 तो ये हम लोगों का हुआ कितना 65। ये हम लोगों का 65 जब हो जाता है तो सिंपल से क्या है, जो हम लोगों को दिया गया है 2600 इसके अकाउंट में हम 65 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ सी का पार्ट बताना है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ सी का पार्ट बताना है। तो 65 मल्टीप्लाई बैक करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी कि 40 से कटेगा, और ये 1248 यानी कि ₹480 किसके होंगे, सी के होंगे, और ये ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बात क्लियर है इतनी। हम लोगों को ये चीजें कुछ नहीं करनी है, जस्ट सिंपली इनको फॉलो अप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो जिस तरीके का है कि ₹4890 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी such that if share of ABC reduced by 5 rupees, 10 rupees and 15 rupees respectively, rest of the amount distributed in the ratio of 3:4:5, तब बंद करते हैं। आपको बताना है कि ABC का शेयर कितना होगा। यह 48,890 रुपए को ABC में इस प्रकार से बांटा गया है कि यदि ABC के हिस्से के 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए क्रम से काट लिए जाए, मतलब सिक्योरिटी के लिए रख लिए होंगे अलग से, तो बताइए कि 3, 4, 5 में अगर बचा हुआ अमाउंट उसको बांटा जाए तो एबीसी का हिस्सा क्या होगा। ठीक, अप्रोच क्या होगी वो देखते हैं एक बार। पहला
पहले तो जो 4890 रुपए हैं इनमें से 5, 10, 15 यानी 30 रुपए घटा दो, 4860 रुपए बच गए मेरे पास। ये 4860 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3, 4, 5 यानी 5 और 4, 9, 3, 12 यानी 405, एक पे 405 के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे कितने, मल्टीप्लाई बाय 3 ए को, मल्टीप्लाई बाय 4 बी को, मल्टीप्लाई बाय 5 सी को। 1215 रुपए तो हो गए आपके ए के, 1620 रुपए हो गए आपके बी के, और 2025 रुपए हो गए आपके सी के। यहां से जितना डिस्ट्रीब्यूट उनका बचे में से हुआ होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो होगा ए को, बी को और सी को। टोटल 1215 में जो 5 रुपए कटे थे वो ऐड कर दो, ये 1620 में जो 10 रुपए से कटे थे वो ऐड कर दो, ये और 2025 में जो 15 रुपए से कटे थे वो ऐड कर दो, ये अमाउंट उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात क्लियर हो गई, और ऐड अप करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आपके पास होगा, क्योंकि जो 30 रुपए कटे थे वे भी उनको उसी ऑर्डर में रिटर्न होंगे जितने जितने उनके रुपए कटे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं किस तरीके का नेक्स्ट टाइप होगा। देखते हैं ये अगले टाइप का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से दिया है कि ₹23,400 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 6:3:4, बट बाय मिस्टेक इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:4:3। फाइंड आउट हु गॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ₹23,400 को ए बी सी में 6:3:4 के अनुपात में बांटा जा रहा था, परंतु गलती से उन्हें 2:4:3 के अनुपात में पैसा बांट दिया गया, तो बताइए सबसे ज्यादा लाभ किस व्यक्ति को हुआ। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोगों को सिंपली सामने से दिख जाता है कि हाँ इसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, इसको ज्यादा लॉस हुआ होगा, ठीक है, और उसको बस निकालना होता है। अप्रोच क्या होगी वो देखते हैं, करना आपको इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, दिया है 6:3:4 दैट मीन्स 30, टोटल अगर बात करें 2:4:3 यानी ये ए बी सी है जिनमें पैसा बटना था, मतलब बी ए को मिलना था 6 हिस्सा 13 में से, मतलब आधे के इक्वल मिलना था, लगभग लगभग आधा, लेकिन अब मिला है 2 हिस्सा 9 में से, बहुत कम, समझ लीजिए तो काफी लॉस हुआ होगा, है ना, मैक्सिमम लॉस इसे हुआ होगा। अगर मैक्सिमम लॉस पूछे तो ए पे चला जाएगा, कितना होगा वो आप इजीली निकाल लेंगे वहां से। सी को मिला था 4 हिस्सा 13 में से, लेकिन अब मिला है 9 में से 3, मतलब लगभग लगभग सम सही होगा, मतलब उसको ज्यादा कुछ डिफेक्ट होगा नहीं, बराबर बराबर सही होगा। लेकिन बी को मिल रहा था 3 हिस्सा 13 में से, अब 9 में से 4 हिस्से मिलेंगे, मतलब आधे के बराबर मिल जाएगा, पहले उसको मिला था 3, तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो किसे होगा, बी को होगा। कितना होगा, पहले में मिला था 3 हिस्सा 13 में से कितने रुपए का, 23,400 का, अब मिला है 4 हिस्सा 9 में से 23,400 का। बात क्लियर हो गई, मतलब कि पहले जितना मिल रहा था कि 3 हिस्से में ले थे 13 में से, जो 13 हिस्सा मुझे दिया गया था वो उसमें से मुझे मिल रहा था 13 में से 3 हिस्सा कुल, तो वो कितना था 1800 रुपये, मतलब 13 से अगर मैं काटूंगा तो 1800 रुपये, मतलब ये मिल जाते मुझे 5400 रुपये। लेकिन अभी जो मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, कुल 9 के हिस्से में से 4 मिल रहा है, इसका मतलब मुझे पहले पे ही कितना मिला है 2600 रुपये मिला है, मतलब कितना मुझे 1400 रुपये मिला है, तो मुझे फायदा कितना हो गया, 6000 रुपये का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 6000 रुपए का फायदा हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगर वो मैक्सिमम लॉस की बात करें तो ए पे आ जाइए आप, कि ए को कितना मिला था, तो सिंपल सी बात है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए,
ठीक है, यहीं पे बता देते हैं हम लोग। अब देखो नोट्स की बात करें तो पे को मिल रहा था 6/13 में से, यानी कि 23,400, अभी किया 18, 10,200 मिलने थे उसको, सॉरी 800, 10,800 मिलने थे, लेकिन मिल रहा है 2/9 में से, दैट मीन्स 23,400 2600, अब मिल रहा है उसे 5,200 रुपये, उसे लॉस कितने हो गए बेचारे को, 5,600 रुपये उसको सीधा सीधा लॉस हो गया। बात क्लियर है ये बात, ठीक है। सी का भी अगर पूछे तो आप यहां से सी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ खास इसमें करने की जरूरत है, ठीक है। आगे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बचा नहीं है इसमें, कि मतलब कुछ क्वेश्चन बचा हो वो करा जाए। अब इसके बाद में जो पार्ट बचा होगा वो थोड़ा सा प्रोपोर्शन का बचा है, रेशियो तो हमारा हो गया है ऑलमोस्ट, प्रोपोर्शन का बचा है, उसे प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन को हम लोग करने के बाद में, उस पार्ट को करने के बाद में हम लोग डील करेंगे रेशियो के साथ में मिक्सचर का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एलिगेशन और रेशियोज का कॉम्बिनेशन, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। जब तक के लिए आप लोग इसी कंटिन्यूटी सीरीज में हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, सीखते रहेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।